रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने बेंगलुरु सेंट्रल के पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार मंसूर अली खान को कामयाब करने की मुहिम में जुट गए हैं। चामराजपेट में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रियासती वजीर जमीर अहमद खान ने चामराजपेट की आवाम से गुजारिश की कि मंसूर अली खान को 70,000 से ज्यादा लीड सिर्फ चामराजपेट से चाहिए। इन्होंने कहा कि वो बेंगलुरु सेंट्रल हलके के उम्मीदवार मंसूर अली खान को कामयाब करने की जिम्मेदारी उठाई है, पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है, इसलिए चामराजपेट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो 70,000 से ज्यादा वोट इस असेंबली हलके से मंसूर अली खान को दिया जाए। इन्होंने कहा कि मंसूर अली खान एक पढ़े लिखे और समझदार लीडर हैं। उन्होंने कहा कि मंसूर अली खान को कामयाब करके कांग्रेस की सरकार बनाए, राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने की मुहिम में जुट जाए। चामराजपेट में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जेडीएस के मुस्तफी लीडर सैयद शफीउल्ला और कई मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में एमएलए रिजवान अरशद, एमएलसी नसीर अहमद, राजीव चंद्रशेखर, सीएम फैज के अलावा कई अहम लीडरान शामिल रहे। ಈ ಚುನಾವಣೆ ನನಗೊಂಥರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ನಮಗೆ 70,000 ಈಟ್ ದಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ನನ್ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಂದು ದಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಗೆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬಸವನವ್ರು ಇರಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜನ ಬತ್ತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬತ್ತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೈಸೆ ಹಮಾರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕಾ ಜಬ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಹುವಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕರ್ಕೆ आप चामराजपेट क्षेत्र में देखे होंगे, आवाम का जोश देखे होंगे। वजह इसकी क्या है, मंसूर अली खान एक नौजवान है, उसके साथ में एक एजुकेटेड पर्सन है, एक आवाम एक उम्मीद रखे, एक मंसूर अली खान को जिताना करके आज आवाम का जोश देखे होंगे। हमने सिर्फ इधर वर्कर्स मीटिंग बुलाया था, इतने बड़े पैमाने में आदमी आता करके सोचा नहीं, मतलब वॉलेंट्री, वो भी रमजान का महीना रह के और धूप का वक्त, इतना धूप होने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने में आवाम में, मतलब मेरे को देखे ताजुआ। इस बार मैं 24वीं सदी मैं यकीन रखता हूँ कि इस बार मेरे को जो 50 पर 4,000 लीड मिला था, आज कम अज कम 70,000 लीड मिलेगा मंसूर अली। खासकर माइनॉरिटी के अंदर परसेंटेज कम होता है, पोलिंग का परसेंटेज, जैसा कि गई बार पिछली बार जो है ना परसेंटेज जो है माइनॉरिटी का खाली 48% हुआ, अगर 20% भी अगर बढ़ के परसेंटेज अगर होता तो रिजवान आज एमपी हो के रहता था। आज मैं आपके माध्यम मुखांतर मेरी आवाम से एक आजीजाना गुजारिश करता हूँ, आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत मायने रखता है। एक वोट की वजह से आपका हार भी हो सकती है, एक वोट से जीत भी हो सकती है। इस वजह से मैं आपके माध्यम मुखांतर मेरी आवाम से एक आजाद जाना गुजारिश करता हूँ, 5 साल में आपको 2 मौके मिलते बड़े इलेक्शन, एक एमएलए इलेक्शन, एक एमपी इलेक्शन में, बड़ी तादाद में आप आके वोट करना करके माध्यम मुखांतर में गुजारिश करूँ। जमीर भाई के जो पार्टी वर्कर, जमीर भाई की जो यहाँ पर गुडविल है, वो गुडविल आप देख रहे हैं सर, ये पार्टी वर्कर्स मीट थी, लेकिन जो हुजूम और जो लोग आए हैं, सो मुझे यकीन है चामराजपेट की आवाम और जमीर भाई की पूरी कोशिश से जरूर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीते, बेंगलोर सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जीते। यहाँ पर हम हमेशा, हमारा प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट और जो आम आदमी है उसका वेलफेयर की बात कर रहे हैं हम कोई मेन एजेंडा डेवलपमेंट का ही है हमारा। हम कभी भी चुनाव होता है, देख लो चुनाव के वक्त पर कांग्रेस का इतिहास आप निकाल के देख लो, जब जब चुनाव होता है हम प्रचार के लिए जब जाते तो हमारे प्रोग्राम बताते हम कि हमने क्या किया था, आने वाले दिन हमें क्या करने वाले करके। ऐसा नहीं कि बीजेपी जैसा हिंदू मुसलमान, हिंदू उनका कोई डेवलपमेंट वर्क है ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट ले रहे वो लोग। हमारा कांग्रेस का इतिहास निकाल के देखो, जब जब चुनाव आया हमारे प्रोग्राम बता के वोट लेते, जब पिछली गवर्नमेंट में हम थे हम फलाना किए थे, आने वाली गवर्नमेंट हमारी आएगी तो हम फलाना करने वाले करके दिखा के हम वोट मांगते। अभी देखिए ना, अब हमारा 5 गारंटी 2023 के अंदर हमने 5 गारंटी अनाउंस किया था, अपोजिशन वालों ने क्या कहा था, ये इम्पॉसिबल है, इसको इम्प्लीमेंट करने को नहीं होता है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना तो कम से कम 50,000 करोड़ चाहिए, तो हमने जैसा हमारी हुकूमत बनी 1 महीने के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया।
अभी घर घर 2000 जा रहा है, 200 यूनिट तक करंट फ्री है, 10 किलो चावल मिल रहा है, हर औरत मेरी बहन बस में फ्री भी घूम रही है। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारी हुकूमत आएंगी तो हमारे राहुल गांधी ने अनाउंस किया है कि 1 लाख रुपये एक महिला को दिया जाएगा। 1 लाख मतलब कितना हो गया, महीने का 8000 हो गया, महीने का 8000। हम स्टेट गवर्नमेंट से 2000 दे रहे हैं, 10000, 10000 हर घर को 10000 रुपये मिलेगा, उसके साथ में 10 किलो चावल फ्री मिलेगा, करंट फ्री मिलेगा, बस में घूमने को फ्री मिलेगा। और क्या चाहिए गरीब को? गरीब मांगता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, वो एक ही है, कांग्रेस पार्टी एक ही है, ये तीनों चीज़ देने वाली। सर आखिर में मंसूर अली खान के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो हैट्रिक MLA हैं, हैट्रिक MP हैं PC मोहन, तो क्या कहना चाहिए? इस बार पब्लिक बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए। जो PC मोहन थे तीन बार नो डाउट तीन बार MP हो चुके, मगर कुछ तो करना चाहिए था ना, जो उम्मीद थी वो उम्मीद के सबसे कुछ नहीं किए, तो पब्लिक के अंदर तो दे वांट चेंज। थैंक यू।